मध्य प्रदेश के पन्ना जिले को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी उपलब्धि मिल गई है। 24 जनवरी से कृषि महाविद्यालय की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए आदेश भी जारी हो गया है। लक्ष्मीपुर पैलेस का उन्नयन कर महाविद्यालय के लिए तैयार कर लिया गया। पहले सत्र में 70 सीट पर पीएटी क्रॉस छात्र छात्राओं को एडमिशन दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार पन्ना में कृषि महाविद्यालय को प्रारंभ किए जाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है, लेकिन किसी कारणवश अभी तक कृषि महाविद्यालय शुरू नहीं हो सका। वहीं आखिर लंबे इंतजार के बाद क्षेत्रीय खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा और मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के प्रयासों के बाद अब पन्ना जिले में कृषि महाविद्यालय शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए आदेश भी जारी हो गया है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को पन्ना में कृषि महाविद्यालय शुरू करने के आदेश मध्य प्रदेश कृषि कल्याण और कृषि विकास विभाग के उप सचिव तरुण भटनागर ने पत्र जारी करते हुए 2022-23 के सत्र में प्रवेश प्रारंभ करने के आदेश जारी किए। 20 जनवरी 2023 को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि पन्ना कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत जिला पन्ना में नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 5 दिसंबर 2022 को संपन्न हुई। लगभग 70 छात्रों की अनुमति होगी प्रवेश के लिए, और ये पन्ना जिले के लिए बहुत ही मतलब गौरव की बात है कि पन्ना का कृषि महाविद्यालय जो बीच में आया था, फिर बीच में डिस्टर्ब हो गया, अभी हम लोगों ने भवन उसका तैयार कर लिया है और प्रवेश की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी एक दो दिन में, और उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर कॉलेज में नवीन महाविद्यालय में कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। सर, तैयारियां पूरी हो गई? हमारी ओर से पूरी तैयारियां पूरी हो गई। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से मेरी बात हुई है, उनकी ओर से स्टाफ और बाकी भी पोस्टिंग व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उम्मीद है एक सप्ताह के अंदर जो बाकी प्रक्रिया चालू होकर कक्षाएँ चालू हो जाएंगी।